शर्माते हैं बच्चे, थोड़ा ब्लॉग में कम आना पसंद करते। क्या कह रहे हैं मोद? ब्याह में? किसके ब्याह में? अच्छा अमोद, तो शादी कर, मैं ब्लॉग बनाऊंगी तगड़ा सा कुछ। एवरीवन, जय सिया राम, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम टू रीना शॉर्ट्स ब्लॉग। और अभी मेरा मॉर्निंग का काम थोड़ा सा फिनिश हो चुका था, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, बाकी का अभी तो लंच वगैरह मुझे बनाना है। काम तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं भाई, क्योंकि इतना काम तो सभी के घर में है लेकिन ख़त्म नहीं होता है काम, पता नहीं कभी ख़त्म होगा। जब तक इंसान है तब तक काम है, और काम ऐसे ही कंटिन्यू बनता ही रहेगा, मतलब लगा ही रहेगा, सॉरी। तो आज का मेरा रूटीन होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट, मैं आप लोगों को शेयर करूंगी वीडियोस, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और वीडियो पूरी देखें, और लाइक पहले ही कर देना क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो लाइक करना, क्योंकि इतने अच्छे से व्यूज आने लगे हैं तो आप लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से ऐसा ना मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मुझे मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। लाइक क्या है, जबरदस्ती कुछ नहीं है, आप जरूर लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें, करते हैं शुरू आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, तो चलिए आप लोगों को मिलवाती हूँ मैं किसी से, किसी से क्या, मेरी मतलब मेरी भतीजी और मतलब उसका हस्बैंड, न्यू मैरिड कपल हैं दोनों, अभी अभी शादी हुई थी, तो फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे घर पर, मतलब पहली बार ही आए हैं, पहले कभी आए नहीं थे दोनों। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद मेरी भतीजी मुझे मिलने आई है, क्योंकि बहुत आप लोगों को भी लगता होगा ना कि रोज रोज वही चेहरे दिखाती है, तो आज मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चेहरे। तो चलिए मिलवाती हूँ मैं बच्चों से, ये है मेरी भतीजी, और हाय करो हाय तो कर दे, शर्माते हैं बच्चे थोड़ा, ब्लॉग में कम आना पसंद करते हैं। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इससे ऐसा कुछ नहीं होता, और उस वाले चेहरे को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, सबसे फेमस चेहरा यही है, फेमस डोन जाना पहचाना चेहरा, क्योंकि ये तो हमेशा मुझे ओहो आपका अपना। तो प्रिंसी, तुमने उस दिन बोला था ना डंडे के लिए, तो सही बोला था, ये खाने लायक ही है डंडा दोनों, है ना प्रिंसी? प्रिंसी हमेशा ब्लॉग देखती है, कमेंट करती है, तो बताती है प्रिंसी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये मतलब मेरी भतीजी हैं और ये इनके हस्बैंड है, अभी अभी शादी हुई है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी हुई थी हाल ही में, और खाना वाना खिलवा दिया है, नाश्ता वगैरह सब हो चुका था, अब हो गए हम थोड़ा सा फ्री, अब करते हैं रेस्ट। और अब मैं मेहमानों से, मतलब बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत देर से बेचारे अकेले बैठे हैं बच्चे, बात भी नहीं कर पाई मैं इनसे क्योंकि काम में लगी हुई थी, पहले नाश्ता फिर खाना और साफ सफाई, अब किचन वगैरह साफ करके मैं आई हूँ इनके पास, तो अब करती हूँ इनसे थोड़ी सी बातें, और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद में ब्लॉग में, तो बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। रुक जा सिंकी, जाएगी रुक नहीं रही लड़की हमारी, फिर आएगी अब घूमने, ये देखो मोती अमोद ने क्या कही, क्या कह रहे हैं अमोद? ब्याह में? किसके ब्याह में? अच्छा अमोद, तो शादी कर, मैं ब्लॉग बनाऊंगी तगड़ा सा कुछ। बाय नित्यम, कैसे है नित्यम? हेलो करो, हेलो हेलो नित्यम, क्या हो रहा है बाबू? हाँ देखो नित्यम, नित्यम हेलो हेलो, और ये नित्यम है, इससे मिलो, मेरी भांजी का बेटा, और ये कर रहा था नोटी परेशान। ओए इधर देखो, इधर देखो, क्या हुआ क्या हुआ नित्यम को, क्या हुआ? हम देखो इधर देखो जल्दी, अरे कहाँ है नित्यम, नित्यम कहाँ दिख रहा है? ये रहा नित्यम, हेलो करो। चलो अब चलते हैं घर, है ना,
कौन है ये? कौन है नित्यम? कहाँ है नित्यम? जिम्मी कहाँ है? देखो इधर देखो, जल्दी चल रहे।